हेलो दोस्तों, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव है। मैं आपको आज इस वीडियो में डीआई के क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि बोर्ड्स पे बेस्ड होंगे। और ये डीआई जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, ठीक है, इन दोनों एग्जाम में बहुत मतलब कम से मिनिमम क्वेश्चंस जो होते हैं डीआई के 20 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं 50 में से, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं ये 20 मार्क्स, ओके। और ये डीआई जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड डीआई है, जो कि आपको सारे कंसेप्ट जो होंगे अप स्ट्रीम और डाउन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड पे, तो वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा इस बोर्ड बेस्ड डीआई पे, तो वो दूर हो जाएंगे, ओके दोस्तों। तो चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा डीआई क्या है, ओके। तो ये हमारा लाइन ग्राफ डीआई है, जो कि बेस्ड है डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड पे बेस्ड है। और इसमें सबसे पहले हम लोग 30 सेकेंड्स में ये ग्राफ हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या कह रहा है ग्राफ, कि मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है इन किलोमीटर पर आवर ऑफ अ बोट, ठीक है, ऑन डिफरेंट वीकडेज, ठीक है। तो 5 दिन का बात किया जा रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। इन पांचों दिनों में बोट के डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, ओके, अप डाउन स्ट्रीम स्पीड अलग है और अप स्ट्रीम अलग है, ठीक है। तो ये हर दिन डिफरेंट हैं, ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड डिफरेंट हो रहे हैं हर दिन में। मंडे को 13 है, ट्यूसडे को 10 है, फिर वेनसडे को 12 है, थर्सडे को 8 है एंड फ्राइडे को 16 है। उसी तरह अप स्ट्रीम स्पीड भी जो है वो डिफरेंट है बोट के, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट पूरी तरह पढ़ लेना है। तो द अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूजडे इज इन रेशियो 3:4, ठीक है। द वाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द इंटायर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द इंटायर डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्लूडेड। इफ टोटल टाइम टेकन टू कवर द इंटायर डिस्टेंस वॉज 19 आवर्स ऑन ट्यूजडे, ओके। तो किस दिन का बात कर रहा है ये, ट्यूजडे का बात कर रहा है, ठीक है, ट्यूजडे का बात कर रहा है। तो मेरा हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड है 10 और अप स्ट्रीम स्पीड है 2, ओके। तो अब कह रहा है कि अप स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो हमारा किस रेशियो में है, 3:4 के रेशियो में, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ओके, मान लेते हैं कितना, 4x, ठीक है, और हमारा स्पीड डिस्टेंस जो है अप स्ट्रीम में मान लेते हैं 3x, ओके। तो हमारा ये हो गया। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द इंटायर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द इंटायर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्लूडेड इफ द बोट टेकन। तो अब कह रहा है कि हमारा टोटल टाइम ले रहा है 19 आवर्स, ओके, 19 आवर्स ले रहा है। तो हमारा स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है। तो अगर हम डिस्टेंस करें तो 4x अपॉन ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है, तो हमारा टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम स्ट्रीम हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा 4x/10, ओके, प्लस 3x/2, ये हमारा टोटल दिया हुआ है 19 आवर्स, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ओके, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 15x इज इक्वल्स टू 19। तो ये हमारा हो गया 19x/10 इज इक्वल्स टू 19। तो 19 गेट कैंसिल, आवर एक्स वैल्यू वी गॉट 10, ओके, आवर एक्स, हमारा एक्स कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो हमारा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा हो गया 40, अप स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर, ओके। अब हम उससे क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द इंटायर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, ओके। तो हमारा स्टिल वाटर में स्पीड कितना है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग स्टिल वाटर का कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू 10+2/2, ओके, तो वी गॉट 6, ओके। तो हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको टाइम कितना लग रहा होगा, हमारा टाइम लग रहा है 70/6, ओके, ये टाइम लग गया। और हमारा टाइम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्लूडेड, ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्लूडेड में तो ये तो हमारा दिया हुआ है कितना 19 आवर्स, ओके, तो माइनस 19, ओके, इफ यू कैलकुलेट इट आवर आंसर विल गेट 7.34, ओके दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है, द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम टाइम, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम टाइम एंड द अप स्ट्रीम टाइम ऑन थर्सडे, थर्सडे का बात कर रहा है, ठीक है, इज 2 आवर्स, कैलकुलेट द टोटल टाइम फॉर द इंटायर जर्नी इफ द डिस्टेंस कवर्ड ऑन थर्सडे इज 76 किलोमीटर, ओके, हेयर डाउन स्ट्रीम टाइम इज ग्रेटर देन द अप स्ट्रीम टाइम, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ तो पता नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं टी, डाउन स्ट्रीम टाइम ले लेते हैं टी डी, अप स्ट्रीम टाइम ले लेते हैं टी यू, ओके, और टी डी जो है हमारा बोल दिया गया है कि टी डी ग्रेटर देन टी यू, ओके, और ये डिफरेंस हमारा दिया हुआ है टी डी माइनस टी यू इज, टी यू इज इक्वल्स टू हाउ मच गिवन, इट इज गिवन 2, ओके। अब टोटल कह रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 76 किलोमीटर, कैलकुलेट द टोटल टाइम फॉर द इंटायर जर्नी, ओके, तो हमारा ये थर्सडे को बात कर रहा है, थर्सडे को हमारा कितना है स्पीड, स्पीड है हमारा 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो अगर डिस्टेंस ये दिया हुआ है 76, स्पीड अगर हम देखें तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 टी डी हो जाएगा, ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा हमारा 8 टी डी हो जाएगा, प्लस अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 4 टी डी हो जाएगा, 4 टी यू हो जाएगा, ओके, और ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ 76, ओके, तो हमारा ये 2 टी डी इफ यू टेक 4 कॉमन, 2 टी डी प्लस टी यू इज इक्वल्स, टी यू इज इक्वल्स टू वी गेट हाउ मच, 4,1990, ओके, सो वी गॉट 2 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज हेयर एंड सेकेंड इक्वेशन वी गॉट हेयर, ओके, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन टी यू एंड टी यू विल गेट कैंसिल, सो आवर 3 टी डी इज इक्वल्स टू 21, सो टी डी वी गॉट हाउ मच, 7, ओके, नाउ सिमिलरली टी डी वी गॉट, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट टी यू इज इक्वल्स टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल टाइम जो हो गया, टोटल टी इज इक्वल्स टू टी डी प्लस टी यू, ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 12 आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप देख ही रहे हैं कितना इजी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन, ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वेडनेसडे इज 30% मोर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मंडे, ठीक है, इफ द टोटल टाइम टेकन ऑन बोथ डेज इज इक्वल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेशियो of average speed on Wednesday and Monday and the ratio of speed of boat in still water on same days, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, मतलब क्या, कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि रेशियो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑन वेडनेसडे एंड मंडे, ठीक है, तो एक फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि मंडे में अगर हम मान लेते हैं मंडे का डिस्टेंस अगर डी एम इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मंडे का डिस्टेंस अगर हम एक्स मान लेते हैं तो डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा, 1.3x, ओके, और दूसरा चीज कह रहा है कि टाइम टेकन ऑन बोथ डेज इज इक्वल, ओके, टाइम जो है दोनों दिन क्या है, बराबर है, ओके, तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड ऑन मंडे अपॉन स्पीड ऑन वेडनेसडे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम हमारा दोनों इक्वल है, ओके, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम अगर हमारा कांस्टेंट है मतलब इक्वल है तो स्पीड जो है हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, तो स्पीड ऑन मंडे और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन मंडे एंड डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1.3x, ओके, एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल्ड, इट विल बी इक्वल टू 10/13, ओके, लेकिन हमारा वेडनेसडे और मंडे का रेशियो पूछ रहा है, ओके, वी जस्ट हैव टू रिवर्स इट, तो स्पीड ऑन वेडनेसडे अपॉन स्पीड ऑन मंडे इज इक्वल टू 13/10,
अब हमसे दूसरा चीज क्या कह रहा है, दूसरा चीज कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सेम डेज, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो मंडे को, मंडे का देख रहे हैं, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, 13, और अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है कितना, 3, तो हमारा स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा 13 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, ओके। और वेडनेसडे को देखते हैं तो डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है 12, अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 6, सो तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, सो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 18 इज इक्वल टू 9, तो हमारा टोटल यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा रेशियो हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट ऑन वेडनेसडे, ओके, स्पीड ऑफ बोट ऑन मंडे इज इक्वल्स टू 9/8, ओके। तो हमको ये दोनों का, इन दोनों रेशियो का क्या कर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, ओके। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो 13 हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 13/10 माइनस 9/8, ओके। इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस यू विल गेट द डिफरेंस बी, ओके, यू विल गेट 0.175, ओके, यू विल गेट दिस आंसर, ओके। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके, हम समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज हाईएस्ट, ओके। तो हमारा किस, मतलब किन किन किन, मतलब हमारा ऑप्शंस क्या दिया हुआ, मंडे वेडनेसडे थर्सडे बोट 2 एंड 3 एंड वन ऑफ दिस, ओके। तो हमसे पूछ रहा है कि इन पांचों दिनों में से किसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बीच में, ओके। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं, ओके, हमको स्पीड ऑफ बोट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब ये तो स्टिल वाटर में हो गया, ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन 2, ओके। तो इससे हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकलेगा, इससे स्पीड ऑफ बोट निकलेगा, ओके। तो अब अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, ओके। तो मंडे को हमारा क्या निकल जाएगा, मंडे को स्पीड ऑफ बोट कितना निकल जाएगा हमारा, मंडे को हमारा, सो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ऑन मंडे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3, ठीक है, देखते हैं, 13 प्लस 3 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 8, ओके। और स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम ऑन मंडे कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ओके। ये हमारा पहला हो गया, मंडे को हो गया। अब ट्यूसडे को देखते हैं, ठीक है, ट्यूसडे को अब देखेंगे स्पीड ऑफ बोट ऑन ट्यूसडे, ओके। तो स्पीड ऑफ बोट ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाई 2 6, ओके। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे, ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 10 माइनस 2 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, ओके। अब फिर देखते हैं स्पीड ऑफ बोट ऑन वेडनेसडे, ओके, तो क्या है, 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 9, ओके। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 3, ओके। स्पीड ऑफ बोट ऑन थर्सडे, ओके, तो क्या होगा, 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन थर्सडे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। अब उसी तरह स्पीड ऑफ बोट ऑन फ्राइडे, ओके, क्या कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 प्लस 4 20 डिवाइडेड बाई 2 10, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन फ्राइडे कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, ओके। अब हमको रेशियो लेना है, ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो 8 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1.6, ठीक है। अब ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, अब रेशियो अगर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 4, ओके, तो 1. अगर 3/2 1.5, ओके। अब यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, अब इसका रेशियो देखते हैं हम, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ओके। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा आर का, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ओके। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा,
10 divided by 6, 5 by 3 means 1.66. okay, तो हम लोग देख रहे हैं कि वेडनेसडे को और थर्सडे को रेशियो जो है इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो वेडनेसडे और थर्सडे दोनों हमारा ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी. ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला मैथ्स में फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब पांच क्वेश्चन के सेट रहते हैं, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. द एवरेज स्पीड ऑन फ्राइडे फॉर इंटायर जर्नी इज 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड द अप स्ट्रीम डिस्टेंस, फाइंड द डिफरेंस. ओके, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड द अप स्ट्रीम डिस्टेंस. इफ द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज ट्वाइस द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन सेम डे, ऑन फ्राइडे ओके, एंड द टोटल टाइम टेकन इज 9 आवर्स. ओके, टोटल टाइम टेकिंग इज 9 आवर्स. ओके, तो एवरेज स्पीड बोल रहा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो हमारा टोटल टाइम तो दिया हुआ है. ठीक है, टोटल टाइम हमारा दिया हुआ है 9 आवर्स. ओके, लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा. तो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ द अप स्ट्रीम डिस्टेंस. ओके, तो अगर हम मान लेते हैं अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अगर डी यू मान लेते हैं एक्स, ओके, तो हमारा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ऑन फ्राइडे का बात कर रहा है, तो फ्राइडे में हम लोग को ये दिया हुआ है. ठीक है, फ्राइडे में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है टी डी अपॉन टी यू दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ. ठीक है, तो टी डी हमारा कितना है, टी डी हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मीन्स 2x अपॉन 16. ओके, और टी यू कितना दिया हुआ है, टी यू हमारा डिस्टेंस है x और ये 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिस इज गिवन 9. ओके, तो अगर देखें तो एलसीएम ले रहे हैं तो 16 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 2x ही रहेगा और इधर हो जाएगा 4x. ओके, ठीक है, अपॉन 16, ठीक है, इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6x अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 9. तो कट हो जाएगा ये 3 2 6 एंड 3 3 9. ओके, एंड 2 8. ओके, तो हमारा डिस्टेंस जो आ गया, x का वैल्यू जो है आ गया मेरा 24. ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 24. ठीक है, तो हमारा डी यू डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस आ गया 24 और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 48. ओके, ठीक है, तो हमसे कुछ क्या खोजना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड द अप स्ट्रीम डिस्टेंस. ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 48 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 24. ओके, तो हमारा पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा. ठीक है, ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे मतलब कैसे आंसर कैलकुलेट किया मैंने. ठीक है, अब बहुत ही इजी होता है स्पीड एंड डिस्टेंस. ओके, ओके दोस्तों, बस आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखिए और आपको क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाइएगा. ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कंसेप्ट को क्लियर जरूर करूंगा. ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियो को शेयर जरूर करें. इससे क्या होगा कि आपके दोस्तों को जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे होंगे, तो उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. ठीक है दोस्तों, बाय.